जी देखिए, जर्नी मेरी, मैंने इससे पहले इनकम टैक्स में काम करा है 4 साल, और अभी मैं IRS कस्टम्स एंड एक्साइज में हूँ अंडर ट्रेनिंग। और काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा, बट दैट एंड्स वेल, इज़ ऑल वेल। सो अच्छा लग रहा है, अभी मेरी पूरी फैमिली खुश है। जी देखिए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, मेरा बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। मैंने BTECH करा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, मुरथल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने SSC की तैयारी करी और मैंने इनकम टैक्स में काम करा 4 साल। और उसके बाद मुझे ये प्रेरणा मिली, मेरे फादर भी चाहते थे, मेरे दादाजी का सपना था कि मैं IAS अफसर बनूँ। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी UPSC की, एंड बाय गॉड ग्रेस इट इज़ वेल। देखिए, मेरे लिए सबसे जो मेन चुनौती थी वो थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड और मेरा जो फैमिली का जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी, मुझे करना पड़ा। जॉब नहीं छोड़ के मैं तैयारी नहीं कर सकता था। तो सबसे बड़ी मेरे लिए जो मेन चुनौती थी वो यही थी कि जॉब के साथ मैं कैसे तैयारी करूं और उसको कैसे मेंटेन रखूं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि हाउ आई विल मैनेज माई टाइम, तैयारी जॉब के साथ साथ आप काम के साथ साथ कैसे आप तैयारी कर पाएंगे। तो यही मेरे लिए मेन सबसे मेन बड़ी चुनौती रही। जी देखिए, स्मार्ट स्टडी आजकल काफ़ी ट्रेंड बदल चुका है UPSC का, पहले जैसा नहीं रहा है। अभी UPSC ही भी काफ़ी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लग गई है। और स्मार्ट स्टडी से मेरा मेन मकसद है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक रहें और उन्हीं से आप के जो मेनली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ सिलेबस को मगअप ना करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अपने विचार, अपने थाट्स उसके बारे में बनाएं, तो शायद आप उस तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। जी देखिए, सबसे मेन प्राथमिकता जो रहेगी वो यही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच सकें। और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हम लोग या कोई भी अधिकारी जो अपनी तरफ से जो भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है, हम उसके लिए करेंगे अपना योगदान। IRS का अनुभव भी आपको मिलेगा क्योंकि आप अभी अंडरटेकिंग हो, उसको कहाँ देखते हो? जी IRS का मैंने ज्वाइन करा था, बट मैंने वहाँ से छुट्टी ले रखी थी। और अभी उसका ट्रेनिंग का मेरे पास अभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं है। अभी ज्वाइन उसकी अगले साल ज्वाइनिंग होनी है, तो होपफुली अभी तो फिर डायरेक्ट अगले साल फाउंडेशन कोर्स में ही ज्वाइन करें।